लॉकडाउन को लेकर की गई सख्ती, गाड़ियों के काटे गए चालान। रामगढ़ जिला अंतर्गत मांडू थाना क्षेत्र में मांडू पुलिस द्वारा झारखंड में चल रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी कि लॉकडाउन में स्थानीय पुलिस ने पूर्ण रूप से सख्ती दिखाई है। कुछ इसी कड़ी में मांडू थाना प्रभारी शशि प्रकाश के द्वारा लगभग 9,500 का चालान काटा गया। मांडू थाना प्रभारी शशि प्रकाश ने बताया कि सिर्फ चालान काटना ही मकसद नहीं है, लोगों को इस महामारी के प्रति जागरूक करना भी एक मकसद है, ताकि लोग बहुत आवश्यक होने पर ही अपने घरों से बाहर निकले, व्यर्थता अपने घरों से ना निकले। इसके अलावा मांडू थाना प्रभारी ने लोगों से अपील की है कि यदि वह कोई भी लोग है जो अपने घरों से बहुत आवश्यक कार्य के अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो ई पास अवश्य बनाकर ही घर से निकले। इसके अलावा स्थानीय पुलिस द्वारा क्षेत्र में घूम घूम कर भी लोगों को अनाउंसमेंट के जरिए कोरोना महामारी के प्रति जागरूक किया जा रहा है एवं घर से अनावश्यक न निकलने की सलाह दी जा रही है। खबर 365 न्यूज के लिए चरही से शाहिब अख्तर की रिपोर्ट। आज कप्तान साहब के निर्देश पे मांडू थाना गेट पे जो ई पास चेकिंग पोस्ट लगा है वहाँ पे मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर हम लोग ई पास का चेकिंग लगाए थे। उसमें लगभग 8 घंटे चेकिंग चली है, उसमें 250-300 गाड़ी चेक हुए, जिसमें से जो विदाउट ई पास के सफ़र कर रहे थे उनसे लगभग 9,000 रुपये की वसूली की गई है। इसमें विशेषकर हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम लोग अपने गाड़ी में जो अनाउंसमेंट के लिए लगा हुआ है स्पीकर वगैरह उससे माइक से अनाउंस करते चलते हैं, आंकड़ा वह है और जो गाइडलाइन है गाइडलाइन को खास कर निर्देश कर हम लोगों के बीच फैला रहे हैं कि इस महामारी में खुद को बचाएं। तो मेन हम लोग प्रचार प्रसार पे ज़्यादा विशेष ध्यान दे रहे हैं। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज़, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।